पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति महामहिम के नाम संबोधित पत्र लिख डीएम को सौंपा। जनपद अमरोहा के कलेक्ट्रेट में पीस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी रजीउद्दीन व कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार की गतिविधियों को लेकर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित पत्र लिखकर जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा को सौंपा। जानकारी के अनुसार पीस पार्टी के अध्यक्ष रजीउद्दीन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसी समय से विपक्ष की आवाज़ दबाकर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में विपक्ष के नेताओं पर राजनीतिक द्वेष से फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की लालसा में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है, जिसमें हमारी पीस पार्टी चाहती है कि राजनीतिक द्वेष में विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध की गई असंवैधानिक और लोकतांत्रिक कार्यवाही को निरस्त कर उनके मुकदमे वापस लिए जाएं और उन्हें तत्काल जेलों से रिहा किया जाए, जिससे लोकतंत्र की गरिमा कायम रह सके। पीस पार्टी हमेशा न्याय के लिए संघर्ष करती रहेगी और प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। ज्ञापन देने में मौजूद रहे चौधरी रजीउद्दीन, सलाउद्दीन, खलील खां, अली चौधरी, मेहरुद्दीन, सिराजुद्दीन, मोहम्मद शमीम, नावेद खान आदि। ये मेरा नाम चौधरी रजीउद्दीन, पीस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। ये प्रदर्शन प्रदेशीय आह्वान पर किया गया है। इसकी वजह यह है कि आज जो मौजूदा सरकार है वो अपने बदले की भावना से लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि आजम खां का पूरा परिवार जेल की सलाखों के बीच में है। उन्होंने कितने मर्डर कर दिए, अपराधी लोग सड़कों पे हैं, कुर्सियों पे हैं, सरकार में हैं। 42 मुकदमे जिस मुख्यमंत्री पर हो, आज वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पे बैठा है और उन लोगों को जिन पे कोई केस नहीं उनको सलाखों के पीछे बंद कर रखा है। ऐसे ही जैसे दूसरा बड़ा नाम आज एक डॉक्टर जो उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा डॉक्टर माना गया, बच्चों का डॉक्टर, उस आदमी को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। ऐसे बहुत सारी केस हैं। पीस पार्टी के एक आदमी को बगैर वजह जेल में है। ऐसे अनेकों अपराध हैं। मैं कितनी देर तक भी बताता रहूंगा कि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और आने वाला टाइम मुसलमानों का एक त्यौहार का टाइम है। बदले की भावना से इस त्यौहार को टारगेट करते हुए इस मौजूदा सरकार ने उस दिन जो है लॉकडाउन का दिन रख दिया है। कैसे सरकार चलेगी, क्या बदले की भावना से चलेगी या संविधान से चलेगी? इस संविधान के लिए की रखवाली करने के लिए जो लोकतंत्र ने, हिंदुस्तान के संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिया है, उस अधिकार की हिफाजत करने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी सारे जिला मुख्यालयों पर धरने पे बैठी है और ये जगा रही है कि ये गूंगी बैरी सरकार जाग जाए, वरना सारे जितने भी अमन पसंद लोग हैं एक दिन सड़कों पर आ जाएंगे। और सरकार ऐसे नहीं चला करती, सरकार चलती है प्रजातंत्र के हिसाब से, लोगों की भावनाओं के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सबकी रखवाली करनी चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार में बैठा है उसके लिए सारी प्रजा बराबर है, उसे कानून की रखवाली करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसी वजह से आज पीस पार्टी सड़कों पर उतरी है और सारे उत्तर प्रदेश में प्रदेशी आह्वान पर धरना दे रही है। इसीलिए आज हम कलेक्ट्रेट पर धरना देने आए हैं और इसे गूंगी बैरी सरकार को ये सुनना बताने के लिए आए हैं कि आँख खोल ले और कान खोल ले, प्रजातंत्र की तरफ को देख। आज किसान बेहाल है, गरीब बेहाल है, मजदूर बेहाल है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है। आज GDP नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और ये सरकार मौज मस्ती में AC में बैठी हुई है। इसे जनता की कोई फिक्र नहीं है, ये जनाधार खो चुकी है। इसीलिए इसे जगाने के लिए आज हम अमरोहा के कलेक्ट्रेट में हैं और हम इसीलिए आए हैं कि ये हम ये मनोरंडम महामहिम के द्वारा सरकार को जगाने के लिए आए हैं। धन्यवाद।